नमस्कार, झारखंड सहित पूरे देश दुनिया की खबरों में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में एक बार फिर से 1 अगस्त लेकर 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है हेमंत सरकार ने। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर दिए हैं बहनों को तोहफा, जानिए सरकार के दो बड़े फैसले क्या है। वहीं पर भारत से एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि एटीएम से मुफ्त निकासी अब बंद हो गई है। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। वहीं एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, किसान भाइयों के लिए छठी किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो गई है बैंक के खातों में। जानिए पूरा डिटेल से, जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब समाचार विस्तार से। लेकिन जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और आपके पास अगर किसी तरह का समस्या हो या किसी तरह का सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 31 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक 3 की गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही जिन आर्थिक गतिविधियों की अनुमति पहले दी गई थी वो लागू रहेंगी। गौरतलब है कि झारखंड में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 6,120 है, जबकि इस संक्रमण के चलते अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने रविवार को लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट देते हुए 2 अगस्त को सभी राखी और मिठाई की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी सार्वजनिक आयोजन न किया जाए और पर्व के सभी अनुष्ठान घर पर ही रहकर किए जाए। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन के पर्व के दृष्टिगत प्रदेश में रविवार को राखी तथा मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। गौरतलब है कि वर्तमान में कोविड-19 को काबू करने के लिए उद्देश्य से प्रदेश में संचालित विशेष स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन अभियान के तहत प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को बाजारों की साप्ताहिक बंदी निर्धारित है। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विगत 3 साल के भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत रविवार मध्य रात्रि 12 बजे से सोमवार मध्य रात्रि 12 बजे तक यानी कि 24 घंटे के नियम निगम की सभी श्रेणियों की बसों में महिलाओं यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री रक्षाबंधन के पर्व पर पुलिस को संघन गश्त करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि रक्षाबंधन के अवसर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जाए, कोई भी सार्वजनिक आयोजन ना किया जाए और पर्व के सभी अनुष्ठान घर पर ही रहकर किए जाएं। अगर आप महीने में 5 बार से ज्यादा एटीएम से पैसे निकालते हैं तो फिर 1 अगस्त से 5 निकासी के बाद हर निकासी पर चार्ज देना होगा। 1 महीने में 1 से 5 बार मुफ्त में कैश निकाल सकते हैं। वहीं डेबिट कार्ड गुम होने पर या फिर खराब होने पर ₹200 नए कार्ड के लिए देने होंगे, जबकि टाइटेनियम डेबिट कार्ड के लिए सालाना ₹250 भुगतान करने होंगे। RBI के आदेश के मुताबिक बचत खातों पर ब्याज दर में 1 अगस्त से बदलाव हो गया है। किसान सम्मान निधि की छठी किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो गई है। 1 अगस्त से सरकार किसानों के बैंक खाते में ₹2,000 की छठी किस्त जमा कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी। सरकार ने योजना के शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नगद लाभ पहुँचाया है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।